Point charges 4 micro coulomb and minus 4 micro coulomb are placed at a distance 1.5 meter. ठीक है, तो ये distance 1.5 meter है. Total number of points except infinity where potential due to the system of charges is zero. मतलब इससे अगर हम बहुत दूर चले जाएं, infinity में पहुंच जाएं, तो वहां तो potential ऐसे ही zero होता है. Infinity में potential zero by default माना जाता है, क्योंकि वहां तक इनका असर नहीं पहुंच पाएगा. लेकिन वो कह रहे हैं कि इन्फिनिटी को शामिल नहीं करना है. इनके आसी पास आप देखिए कि कहां कहां पर जीरो पोटेंशियल आ रहा है. तो हम कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी रैंडम पॉइंट. अब ये जो है इससे आर ए दूरी पे है और इससे आर बी दूरी पे. ए और बी नाम मैंने अपनी तरफ से ले लिए, तो टोटल पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, ये हम चाहते हैं. तो वी ए प्लस वी बी जीरो आ जाए, हम ये चाहते हैं. वी ए क्या होगा, 1/4 pi epsilon naught और 4 माइक्रो कूलॉम्ब, मैं माइक्रो ही लिख दे रहा हूं, डिवाइडेड बाय आर ए. वी बी क्या हो जाएगा, 1/4 pi epsilon naught 4 माइक्रो कूलॉम्ब लेकिन माइनस साइन के साथ, और ये हो जाएगा आर बी. ठीक है, तो ये माइनस साइन जो है मैं यहां ले आता हूं. 4 माइक्रो कूलॉम्ब और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन ले लीजिए, तो 1/r a 1/r b ऐसा होना चाहिए. अब फिर उसके बाद 1/r a - 1/r b यहां से अब आप समझ सकते हैं कि कंडीशन आ जाएगी कि आर ए और आर बी बराबर होने चाहिए. यानी हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढें जो इससे और इससे बराबर दूरी पे आ जाए. तो यार ये पॉइंट अगर यहां रख जाएगा तो ये बराबर हो जाएंगे, तो आंसर 1 होना चाहिए. लेकिन ऐसी बात नहीं है, इतनी जल्दी नहीं जंप करना. ये तो आप नया भी करते तब भी आप समझ जाते कि हाँ बीच में पोटेंशियल जीरो होता है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है. लेकिन आप देखिए ये पॉइंट थोड़ा यहां भी होता, बिल्कुल इसके ऊपर, ऐसा कि ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता, तब भी तो आर ए और आर बी आपस में बराबर हो जाते, है कि नहीं? ये पॉइंट थोड़ा यहां होता तब भी बराबर हो जाते. यानी कि ये पूरा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका हर एक पॉइंट इन दोनों के बराबर है, इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है, तो वहां पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा. इसलिए आंसर हो जाएगा 4th नंबर ऑफ पॉइंट्स इज इनफाइनाइट. इनफैक्ट अगर इसका कोई लोकस पूछे, व्हाट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल विल बी जीरो, तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं लिख के आइएगा, आप प्लेन लिख कर आइएगा. लोकस क्या होगा, प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी एंड प्लेन शुड पास थ्रू द मिड पॉइंट. समझ गए, क्योंकि यार अगर अगर ये पॉइंट इन दोनों से बराबर दूरी पे, तो हम एक इधर पॉइंट ले लें, थोड़ा बाहर ले लें प्लेन के, तो ये भी इसके बाद इससे और इसके बराबर दूरी पे होगा. तो ये पूरा प्लेन ही ऐसा प्लेन होगा जो जीरो पोटेंशियल पे होगा.